चलिए समझ लीजिए, फंक्शन ऑफ डायलेक्टिक। डायलेक्टिक कैपेसिटर में क्या काम करता है, कैसे करता है? एक ही कैपेसिटर आपने बनाया, कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज है आपका प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर चार्ज है माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। कैपेसिटर की कैपेसिटी है सी, ठीक है। तो अब यहां आपका क्यू इक्वल्स सी वी है ना, तो यहां से सी इक्वल्स है आपका क्यू बाई वी है ना। तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब क्या हुआ इसका, आपके पास दो कैपेसिटर हैं, आपने दो कैपेसिटर में दोनों कैपेसिटर को आपने सेम चार्ज दिया, आपने इसको चार्ज दिया 10 माइक्रोकूलम, इसको भी चार्ज दिया आपने 10 माइक्रोकूलम। अगर इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डेवलप हुआ सपोज 2 वोल्ट और यहां पोटेंशियल डेवलप हो गया सपोज 20 वोल्ट, कैपेसिटर को चार्ज देने के बाद इसकी प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। दो कैपेसिटर थे आपके पास, दोनों को आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया आपने, एक की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप हुआ 2 वोल्ट, दूसरे के डेवलप हुआ 20 वोल्ट। तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम डेवलप हुआ है इसकी कैपेसिटी लार्जर है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए अगर किसी भी तरह आप पोटेंशियल डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए अगर आप पोटेंशियल किसी भी तरह से डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसी के साथ साथ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया ही क्यों जाता है, कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट क्यों बनाया जाता है। आपके पास ये एक प्लेट है, आपने इसे एक सोर्स से जोड़ दिया और इसको आपने एक सर्टेन चार्ज आपने इसे दे दिया, सर्टेन चार्ज आपने इसे दे दिया, इसे चार्ज दिया क्यू, ठीक है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। हालांकि ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ये शीट के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे शीट के लिए, हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें सिर्फ एक आइडिया लेना है। तो वोल्टेज है क्यू बाय आर, करेक्ट, आपने इसे चार्ज दिया, इसके ऊपर एक सर्टेन वोल्टेज डेवलप हो गया और चार्ज करने में, इसको बाहर से चार्ज देने के लिए जितनी आपने मेहनत करी, जितना आपने वर्क करा, वो वर्क स्टोर हो गया एस किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो गया। एक्चुअल में कैपेसिटर का पर्पज होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना, चार्ज स्टोर करना पर्पज नहीं है। जितने छोटी जगह में, जितने कम से कम मेहनत में आपकी चार्ज ये एनर्जी स्टोर हो पाएगी उतने बढ़िया कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर की कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब देखो आपने क्या काम किया, आपने क्या किया, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम कैसे करता है, क्यों बनाते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने क्या काम किया, आपने इसके सामने एक प्लेट ला के रख दी अनचार्ज्ड। तो क्या हुआ, पहले वाली प्लेट के पॉजिटिव चार्ज से इन्फ्लुएंस होकर आपकी अनचार्ज्ड प्लेट के सामने वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके बाहर वाले फेस पर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपकी इस प्लेट जो ओरिजिनल आपकी प्लेट है, इस प्लेट पर दो चार्जेस काम कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश में और पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश में। लेकिन नेगेटिव चार्ज क्योंकि पास है,
चाहे वो थोड़ा सा डिफरेंस क्यों ना हो, पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज पास है तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। सिर्फ आपके एक अनचार्ज प्लेट इसके सामने रख देने से ही इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो सेम चार्ज के लिए कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, यानी ज़्यादा आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या काम किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा और चेंजेस किए। क्या ये कैपेसिटर था ही आपका, और जो दूसरी वाली प्लेट आपने इसके सामने रखी थी इसे आपने अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या हुआ, अर्थ करने से ये हुआ कि निगेटिव चार्ज जो बाउंड है विद द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से जो बंधा हुआ है, ये तो यहीं कहीं रह गया, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये कहाँ, अर्थ में चला गया। तो अब आपकी इस ओरिजिनल पहले वाली प्लेट पर इफेक्ट डालने वाला कौन रह गया, केवल निगेटिव चार्ज रह गया। इसका पोटेंशियल और कम हो जाएगा, पोटेंशियल और कम हो गया तो कैपेसिटी और बढ़ गई इसकी, ठीक है। अब थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए आपने क्या काम किया, अब आपने क्या काम किया देखो। अच्छा, जब ये सारा का सारा यहाँ काम हो चुका है तो इसके बीच में एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, और आप जानते हैं इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस डी वी बाय डी आर। तो यहाँ से डी वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई डी आर। निगेटिव साइन तो सिर्फ फॉल को शो करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दोगे आप, रिड्यूस कर दोगे इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर दोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब आपने क्या काम किया, आपने काम ये किया कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक भर दिया। एक क्या भर दिया, ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरने से क्या हुआ, ये यहां निगेटिव चार्ज है इसका बना हुआ अभी भी, करेक्ट। डाई इलेक्ट्रिक भरने से क्या हुआ कि आपके कुछ डाइपोल, सारे डाइपोल या कुछ डाइपोल्स अलाइंड हो गए। कहां अलाइंड हो गए, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये माइनस का, ये प्लस का, इधर ये डाइपोल, डाइपोल का इधर माइनस, इधर प्लस। तो फिर इनका अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जो आप पढ़ चुके हो पहले। इनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, कहां इंड्यूस हो गया, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हमने क्या लिखा था, याद कीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था हमने ई नॉट माइनस ई आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटी इसकी और बढ़ गई। तो एक्चुअल में ये क्या काम करता है डाइलेक्ट्रिक, क्या काम करता है डाइलेक्ट्रिक, डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सो दैट द फॉर द सेम चार्ज पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एंड द कैपेसिटी इंक्रीजेस। दूसरे वर्ड में से हम क्या समझ सकते हैं कि अभी इस वाले कैपेसिटर में कितना वर्क करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही सारा का सारा वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया है तो अब आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इन डाइलेक्ट्रिक्स के डाइपोल्स को रोटेट कराने के लिए, इनको डी अलाइनमेंट से, रैंडम ओरिएंटेशन से अलाइनमेंट कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाएगा, और यही तो पर्पज है कि एनर्जी स्टोर ग्रेटर हो जाए, ठीक है। लिखेंगे क्या इसे, लिखिए, इसमें एक आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ डू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी सी इक्वल्स क्यू बाय वी, बॉडी सी इक्वल्स क्यू बाई वी, फॉर अ गिविन चार्ज क्यू, स्मॉलर द वोल्टेज डेवलप्ड, लार्जर इज द कैपेसिटी। सिर्फ ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, केवल ये वाला डायग्राम, फॉर्मूला मत लिखना, केवल ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। कंसिडर अ प्लेट इज गिविन चार्ज क्यू, पोटेंशियल डेवलप्ड इज वी। इसके बाद आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करें, सामने एक प्लेट रखकर। कंसिडर अ न्यूट्रल प्लेट,
kept parallel to the charged plate. Negative charge is induced on inner surface and positive charge is induced on outer surface of this plate. The negative charge of this plate tends to decrease potential of first plate and positive charge tends to increase the potential of first plate. Since negative charge induced is closer, therefore there is overall decrease in potential of first plate. If the second plate is earthed, अब ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला डायग्राम जिसमें आपने अर्थ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया अर्थ में. क्या लिखा? इफ द सेकेंड प्लेट इज अर्थड, द पॉजिटिव चार्ज फ्लो इनटू अर्थ बट द नेगेटिव चार्ज रिमेन ऑन द प्लेट सिंस इट इज बाउंड विद द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ फर्स्ट प्लेट. द फैक्टर दैट टेंड्स टू इंक्रीज the positive plate, the factor that tends to increase the voltage of first plate is removed. Therefore, the potential decreases considerably. The capacity increases. Now the arrangement is called parallel plate capacitor. The work done to establish electric field between the plates is stored as electric potential energy of capacitor. अब अगले पैराग्राफ से लिखिए. When a dielectric slab is inserted between the plates, electric field further decreases. Since an opposite electric field is induced in dielectric slab. फिर इसके बाद फॉर्मूला लिखिए. कौन से वाला? ये dv equals minus edr. Therefore, the potential difference between the plates of capacitor further decreases and hence capacity further increases. The work done by external agent to align the electric dipoles of dielectric medium is stored as extra electric potential energy of capacitor. Therefore, dielectric increases, the capacity by decreasing electric field between the plates and energy stored by making agent to do some extra work for alignment of electric dipole.